इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मियां नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत। मुतालिका अथॉरिटी के सामने सरेंडर करना होगा। तहरीरी हुक्मनामा पेश न हुए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। क्या नवाज शरीफ अभी भी जमानत पर हैं? अदालत का इस्तफसार। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पूछा कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अस्पताल में दाखिल ना होने का मतलब ये नहीं कि वो जेरे इलाज नहीं। हेवन फील्ड रेफरेंस ने अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अरशद मलिक का एतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा है। उनके एतराफ के बाद नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला खत्म कर दें। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा वो अगले दिन आ जाएंगे। हमारे ऊपर इल्जामात खोदा पहाड़ निकला चूहा है। अदालत के बाहर गुफ्तगू। उनकी बेटी पे झूठे मुकदमा बनाए गए और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, सब कानून के आगे बराबर है, कानून के सामने। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने पर बरस पड़े। कहा सिर्फ इमरान हुकूमत में मुमकिन है कि इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान पुलिस स्टेट बन चुका, हुकूमत खातून से खौफजदा है। वो वक्त दूर नहीं जब ये रुकावटें नहीं रहेंगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। वफाकी वज़ीरा ने एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। नवाज शरीफ चहलकदमी और चाय पीने की तस्वीरें भेज रहे हैं। उन्हें अदालत में पेश होकर इल्जाम का जवाब देना होगा। वज़ीर तलाश शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी कहते हैं, मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेप्रा की यूनिट 84 पैसे महंगा करने की मंजूरी। इजाफा जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इजाफा फिलफोर वापस देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक से मुतालिक पावर डिवीजन के रिपोर्ट पर बरहम। हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है ना ही काबिलियत। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी हुई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पावर डिवीजन की रिपोर्ट मुस्तरद। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक वजारत तवानाई तमाम मुतालिका महकमों से मुशावरत को यकीनी बनाए। तहरीरी हुक्मनामा। महंगाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। अगस्त में महंगाई की औसत शरह 8.2%। देही इलाकों में खाने पीने के अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 14% तक पहुंच गई। आलू की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 65%, मसाला जात की कीमत में 49, आटे और चीनी की कीमत में 26 और घी की कीमत में 20% इजाफा रिकॉर्ड। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इन एक्शन। अंदरूनी सिंध के तूफानी दौरे। टंडूजान मोहम्मद डगरी में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। हुकाम की वजीर आला को नुकसान पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का 25,000 खेमे और राशन बैग देने का ऐलान। कहते हैं अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का अजाला करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम मुतलका इदारों को हंगामी सूरतेहाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। चकवाल, अटक, लोधरा, लैया और खानेवाल में बादल जमकर बरसे। डॉक्टर माहा की खुदकुशी के बाद तहकीकात में सबसे अहम पेशअप। माहा की कब्र कुशाई का फैसला। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ बशीर अहमद बरोही के मुताबिक शवाहिद मिले कि गोली सर में सीधे हाथ से लगी। जिना अस्पताल के एमएलओ ने पोस्टमार्टम के बगैर मेडिकल रिपोर्ट जारी की। उधर नामजद मुलजिम इरफान कुरैशी जमानत पर रहा।
मुल्क के 3 शहरों में सरकारी सतह पर भंग की काश्त की मंजूरी। मरी, हरिपुर और ठट्टा में भंग की काश्त होगी। इजाजत मेडिकल और सनती शोबे की जरूरियात के तहत दी गई। पीटीए ने 5 मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद कर दी। टिंडर टैग्ड, स्काउट, ग्राइंडर और से हाई एप्लीकेशन शामिल। पीटीए के मुताबिक एप्लीकेशन के जरिए गैर अखलाकी मवाद अपलोड हो रहा था। प्लेटफॉर्म की इंतजामिया को डेटिंग खिदमात को खत्म करने की हिदायत।